दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम बताओ तो आपका जवाब जरूर ही एनाकोंडा होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि आज के समय में ये धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांप हैं। अगर हम इन सांप को दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसियस से जोड़ें तो हॉलीवुड की एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सदियों से धरती पर एनाकोंडा और कैसियस जैसे जीवों का ही बोलबाला रहा। जिस सांप और मगरमच्छ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनके सामने ये जीव छोटे बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रोनोसोरस और टिटानोबोआ, जो आज से लाखों साल पहले धरती पर हुआ करते थे और समुद्र से लेकर जंगल तक इनका राज था। ये प्रजाति धरती पर रहने वाले हर जीव के लिए एक बड़ा खतरा थी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या होता अगर ये जीव आज भी धरती पर जिंदा होते, या यूं कहें क्या होता आप और हम जिंदा होते अगर इन जीवों का धरती पर अस्तित्व होता। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं टिटानोबोआ सांप की, जो आज से लगभग 58 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद था। और एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग 10 मिलियन साल तक ये जीव धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा और भयानक था। टिटानोबोआ आकार में 43 फीट तक बड़े होते थे और इनका वजन लगभग 1 टन के बराबर होता था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये सांप कितना विशाल रहा होगा? इनकी लंबाई नापने के लिए अगर आप 2 जिराफ को भी हॉरिजॉन्टली जमीन पर लटकाएंगे फिर भी टिटानोबोआ की लंबाई ज्यादा होगी। अब जरा टिटानोबोआ और एनाकोंडा के वर्टिब्रा की तुलना करके देखते हैं। एनाकोंडा का वर्टिब्रा इस विशालकाय दानव के सामने कुछ नहीं लगता। इस तुलना से 2 बातें साफ होती हैं कि एनाकोंडा इस विशालकाय सांप के मुकाबले आधा भी नहीं है। ये सांप एक हिप्पोपोटामस को अपना भोजन बनाने का दम रखता है, वहीं 58 मिलियन साल पहले हिप्पोपोटामस नहीं हुआ करते थे। ऐसे में ये जीव मगरमच्छ को अपना भोजन बनाता था। ये बड़ी क्रूरता से अपनी कुंडली में फंसा कर साबुत ही निगल जाता था। क्रूरता की बात की जाए तो क्रोनोसोरस भी ऐसा खूंखारी शिकारी था जो अपने भोजन को बड़ी बेरहमी से मारता था। हालांकि इसकी लंबाई टिटानोबोआ से कम थी, लेकिन शिकार के मामले में दोनों ही दानव कमाल की ताकत रखते थे। क्रोनोसोरस के जबड़े में नुकीले दांत थे जो शिकारी को बचने का कोई मौका नहीं देते थे। इसके अलावा क्रोनोसोरस की लंबाई 33 फीट थी, जो आज के समय में पाए जाने वाले ऑर्का व्हेल से भी ज्यादा है। साथ ही साथ इस जीव का वजन 12 टन के बराबर था। शरीर की बनावट की अगर बात करें तो ये काफी कुछ आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल जैसा था, बस इसका आकार कहीं ज्यादा बड़ा था और शरीर भी 4 रिब केस और एक ताकतवर पूंछ के साथ काफी मजबूत था। क्रोनोसोरस एक शानदार तैराक थे जो पानी के अंदर भी बड़े शातिर तरीके से शिकारी को अपने जबड़े में फंसा कर मारना जानते थे। हालांकि इन दोनों जीवों का एक दूसरे से इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जीव अलग समय काल से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही दोनों की हैबिटेट में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां क्रोनोसोरस दक्षिणी समुद्र के ठंडे पानी में रहना पसंद करते थे, वहीं टिटानोबोआ गर्म जलवायु के शौकीन थे। इतने अंतर होने के बाद भी इन दोनों में एक चीज समान थी, वो था इनका खौफ। जरा सोचिए, अगर ये दोनों जीव एक साथ इस धरती पर जिंदा होते तो क्या शांति से हमारे बीच रह पाते, या फिर इनका कहर मानव प्रजाति का ही खात्मा कर देता? हालांकि ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन टिटानोबोआ अगर धरती पर जिंदा होते तो ये जीव जरूर ही भूमध्य रेखा के ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते, यानी कि ये कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला और पेरू जैसे देशों की ओर बसते, जहां का तापमान इनके लिए बिल्कुल सटीक है। अगर ऐसा होता तो कोलंबिया और ब्राजील के लोगों को इनकी उपस्थिति को लेकर काफी सतर्क रहना होता। खुद को बचाने के लिए उन्हें अपने घरों में बिजली की तारों से फेंस कराना पड़ता, ताकि ये जीव घर में ना घुस पाए। इसके अलावा सोते समय भी उन्हें खुद के पास एक इलेक्ट्रिक गन रखनी पड़ती, जो मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देती। जरा सोचिए इन हालातों में इंसान का जीवन कितनी दहशत में गुजरता। हालांकि एनाकोंडा की तरह ये जीव भी इंसानों को अपना भोजन बनाने में शायद ही रुचि दिखा दे, लेकिन ये आकार में बड़े जीवों को अपना भोजन जरूर बनाते, क्योंकि चूहे और बाकी जंगली जीवों से इनका पेट शायद ही भरता। इंसानों और हाईटेक सिटी से टिटानोबोआ दूर ही रहते, लेकिन मानव सभ्यता इसको ट्रॉफी की तरह चिड़ियाघर में रहकर पैसे कमाने की जरूर सोचते, और यही वजह इसे इंसानों पर हमला करने के लिए उकसाती। जाहिर सी बात है, ह्यूमन हंटर की निगाहों से टिटानोबोआ भी नहीं बच पाते, जो इसकी खाल को निकाल कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। एनिमल किंगडम की बात की जाए
तो इतने विशालकाय जीव के होते जंगलों में हड़कंप जरूर मचता और जंगल के राजा का खिताब शेर से छीनकर टिटानोबोआ को आसानी से मिल जाता, जिससे ये किसी भी जीव को अपना भोजन बनाने में जरा भी समय नहीं लगाता। इस स्थिति में हमारे इकोसिस्टम की फूड चेन में काफी उलटफेर होता, जिससे कई जानवर या तो विलुप्त हो जाते या फिर विलुप्त होने की कगार पे होते। इन जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम व्हेल, शार्क, जायंट आर्मेडिलोस, मैंटिस, डॉल्फिन, चीता, टैपर्स, जैगवर्स जैसे जीवों का होता। इस दानव से खुद को बचाने के लिए शायद एनिमल किंगडम के जीव दूसरे स्थानों की ओर माइग्रेट करते और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टिटानोबोआ का घर बन जाता। लेकिन इस बदलाव का परिणाम ये होता कि जंगल के ज्यादातर इलाकों में एलगी पनपती और फ्लोरा फौना कई मायनों में तबाह हो जाती और अमेज़न के जंगल इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होते। वहीं क्रोनोसोरस की अगर बात करें तो इस विशाल शिकारी का आज की क्लाइमेट कंडीशन में जीवित रह पाना काफी मुश्किल होता, क्योंकि मरीन लाइफ में इसे अपने आकार का भोजन नहीं मिल पाता। डायनासोर के समय में एक टर्टल भी आकार में बड़े टेबल के समान होता था। ऐसे में भोजन की सही खुराक पाने के लिए क्रोनोसोरस तेजी से समुद्री जीवों का शिकार करता और मरीन लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित करता। समुद्री कछुए के साथ साथ ये जीव बड़े मैमल्स जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स को भी अपना शिकार बनाता। इसके रास्ते में जिस भी प्रजाति के जीव आते ये सभी को साबुत निकल जाता। ऐसे में मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती। व्हेल्स के विलुप्त होने का गहरा असर जलवायु पर पड़ता, क्योंकि हवा से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई समुद्री जीव जिंदा नहीं रहता। मछुआरे भी इस जीव के डर से समुद्र में फिशिंग करने से डरते। समुद्र की यात्रा करने वाले शिप्स को भी काफी मजबूत बनाना पड़ता ताकि क्रोनोसोरस के जबड़े इसे नुकसान न पहुंचा पाए। बीच पर सनबाथ का मजा लेने के बारे में तो भूल ही जाएं, क्योंकि ये दानव इंसानों को समुद्र के पास भी नहीं फटकने देता। इससे टूरिज्म को भारी नुकसान झेलना पड़ता। साउथर्न सी के सभी सी ट्रेड हमेशा के लिए ठप पड़ जाते। ऐसे में ये जीव मानव प्रजाति के लिए एक श्राप साबित होता। क्रोनोसोरस ठंडी जलवायु का जीव है जिन्होंने धरती पर लाखों साल पहले राज किया। हालांकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के साथ इस जीव का धरती पर लौटना नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि विलुप्त हुए कई जीव धरती पर वापस लौट सकते हैं, जिनमें से एक नाम टिटानोबोआ सांप का भी आता है। दरअसल ये जीव 32 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान में जिंदा रहते हैं। ऐसे में संभावनाएं बनी हुई हैं कि आने वाले समय में ये जीव धरती पर दोबारा लौट सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती गर्म हो रही है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों को बनने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन ये दानव धरती पर दोबारा वापस लौटने का दम रखते हैं। खैर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लाखों साल तक इंसान धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।